मिस्टर कंटेंटर वेलाचंद, कुछ शब्द कुछ बोलने। तो क्या हाल और क्या चाल गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू द न्यू चैनल, वेलकम टू द न्यू वॉइस व्लॉग। और कल रात को वीडियो ख़त्म करने के बाद डायरेक्ट मैं सो गया था और अभी हुए हैं सुबह के 6:15। मतलब मैं उठा था आधा 15-20 मिनट तो हो गए उठे हुए। उठते ही मैंने बनाई अपने लिए एक कॉफ़ी का कप बना लिया मैंने, मतलब ब्लैक कॉफ़ी का कप बना लिया। और अभी मैं बैठा हूँ अपने बेड के ऊपर, पढ़ाई करने वाला हूँ। सुबह सुबह पता है यार, सुबह सुबह इतना मज़ा आता है ना, ऐसा सुबह सुबह वॉइस लॉगिंग करने में पता है सबसे ज़्यादा बहुत मज़ा आता है। क्योंकि देखो क्या सीन रहता है ना, सुबह के वक्त में बहुत शांति रहती है पूरा दिन, अभी पूरे दिन में और अभी के टाइम वाला जो ये सेक्शन है इसको पूरे दिन से कंपेयर करना। अभी के टाइम पे अगर थोड़ा ऐसा कैसा आवाज़ फुल अच्छे से आ रही होती है, क्लियर आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि कुछ कोई बात नहीं कर रहा है, नीचे कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कुत्ता भौंक नहीं रहा है, कोई ये कुछ नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि पूरा साउंड रहता है ना वो एकदम लो रहता है, तो फिर उससे आवाज़ भी क्लियर आती है, जो बोल रहा हूँ वो भी समझ में आता है और ऊपर सोचने का भी टाइम मिलता है कि बोलना क्या है और क्या कर सकते हैं। बाकी अभी की बात करें, अभी सुबह सुबह मैं उठ तो गया था आज अच्छे से टाइम पे, अभी मैं थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब सुबह के उठ के ये जो टाइम रहता है ना, ये 5:30 मतलब 4, सुबह 4 से ले के 6:30-7 बजे तक ना सबसे बेस्ट टाइम रहता है पढ़ाई करने का। क्योंकि माइंड, मैंने सुना है, मतलब मैंने ये सुना है बहुत लोगों से सुना है, मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बहुत ऐसा बोलते हैं ना फेमस बाबा लोग हो गए, तो उनसे मैंने सुना है कि ये टाइम वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स रहता है पढ़ाई करने का, सुबह सुबह के टाइम पे, ताकि क्योंकि माइंड न्यू न्यू रिफ़्रेश होता है ना, अभी नींद से उठा है, अभी समझ में आने लगा है, आ रहा मन से कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि थोड़ा माइंड मेरा उस तरफ डाइवर्ट भी हो जाए। अभी आधा पौना घंटा, अभी आधा या पौना घंटा ही करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद आराम से बाद में पूरा दिन तो वैसे ही आज पढ़ाई करने वाला हूँ, देखता हूँ जब फ्री टाइम मिला उसमें मैं वॉइस लॉगिंग भी करूँगा। अभी तो एक्सरसाइज करने भी जाना है, देखता हूँ मैं उधर भी शायद कुछ कर लूँ। अभी के लिए कट करता हूँ और मैं फटाफट पढ़ाई कर लेता हूँ और अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी लेता हूँ। कट। अभी हो चुके हैं सुबह के 10:15 और अभी जाके मुझे रीज़न पता चला कि क्यों आज, मतलब कल से इतनी पुलिस रुकी हुई थी नीचे। बात क्या है कि जिधर जिस जगह पे पुलिस रुकी है ना, उस जगह पे दो दिन पहले मतलब परसों के दिन चोरी हुई थी, क्या बोलते हैं, एक चेन स्नैचिंग का केस आया था। लोग एक्टिवा पे या बाइक पे शायद आए थे और किसी औरत का चेन लेके चले गए थे, तो उस चक्कर में अभी पुलिस उधर ही रुकी है कि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि वो वापस आएंगे चोरी करने तो इस बार पकड़े जाएंगे, तो इसलिए शायद पुलिस इतना 2 दिनों से रुकी है और जो भी ऐसा बिना मास्क के दिख रहा है उसको झापड़े मार रही है सीधे सीधे। और मतलब रोक टोक तो नहीं है कुछ भी, पुलिस को तो ना कोई कुछ बोलेगा, बट असली रीज़न यही है कि मतलब चेन स्नैचिंग का केस हुआ इसलिए इतना वो था, मतलब पुलिस इधर इतना रुकी हुई थी। बाकी बात करें अभी के, अभी हुए हैं सुबह के जैसे मैंने बोला 10:15 और मैं वापस आया और मैंने कोशिश की कि मैं बेसन का चिल्ला बना सकूँ क्योंकि घर पर सब सोए हुए थे। और जब मैं बना रहा था तो मेरी मम्मी उठ के, मतलब मम्मी नींद से उठी तो बाहर आई किचन में और मुझे बोला, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ तो मैंने बोला ठीक है क्या कर सकते हैं, मैं बना लूँ, खुद से नहीं बन रहा है तो आप ही बना के दे दो। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं बना रही हूँ, तो मम्मी अभी बना रही है और मैं आराम से बैठ के खाऊँगा। मतलब सुबह सुबह ऐसा बोलते हैं ना, डाइट फॉलो करना अच्छा रहता है। और बोलो तो मैं 1-2 दिन में अपनी डाइट की वीडियो भी डाल दूँ, मतलब डाइट बता दूँ, अपना पूरा डे का शेड्यूल बता दूँ, वो तो मतलब ऑब्वियसली पता है आपको शेड्यूल क्या है, बट ऐसा ये क्या बोलते हैं, मेरा डाइट शेड्यूल नहीं पता ना तो बोलो तो बता सकता हूँ। मतलब बहुत सारे रिलेटिव से बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि इतना पतला हुआ था तो क्या क्या डाइट फॉलो की, क्या एक्सरसाइज करता था, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कुछ चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूँगा डाइट वाइट का शेड्यूल, कोई टेंशन बड़ी बात नहीं है। बाकी अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगा, थोड़ी पढ़ाई करूँगा, फिर उसके बाद आगे जाके वॉइस ब्लॉगिंग कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, चलो कट। तो अभी हो चुके हैं 12:30 और अभी मैं पढ़ाई पे बैठ रहा हूँ, मतलब आज अभी 8-9 घंटे लगेंगे, मैं पढ़ता रहूँगा आज का पूरा दिन जैसे मैंने पहले ही बोला था। बट उसके पहले मैं अपना मोबाइल का ना पूरा स्टोरेज खाली करूँगा, इतना भर भर के स्पेस भरा हुआ है ना इसके अंदर, मतलब जो मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ वो भी पड़ी हुई है इसमें, जो वीडियो बनाता हूँ वो भी सेव हो जाती है, जो ऑलरेडी मतलब देखो एक होता है वीडियो के कंटेंट और उसके अलावा फिर जो आफ्टर रिकॉर्डिंग मतलब जो मैं एडिट करके फिर डालता हूँ वो भी सेव हो जाती है, और जो पहले बनी हुई थी वो भी सेव हो जाती है, और ऊपर से ये दोनों चैनल्स की वीडियोस रहती है
तो उससे बहुत भर भर के मतलब वीडियोस हो गई, फोटोज़ हो गई थंबनेल के लिए, फिर बहुत सारी गेम्स हो गई जो दूसरे चैनल के लिए खेलता हूँ, मतलब अलग अलग गेम्स से ज़्यादा मतलब स्पेस जाता है इसमें। और उसके अलावा मतलब बाकी सब सामान जो भी व्हाट्सअप से ऐसा इमेज ये सब आते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सअप या जो भी खुद से ही सेव हो जाती है वीडियोस, बहुत सारे मीम्स डाउनलोड करके रखें ताकि इसमें ऐड कर सकूँ दूसरे चैनल में भी। तो वही बात है कि मुझे ये सब डिलीट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा सामान जो भी मतलब आज के दिन की चीज़ें रहेंगी वो नहीं करूँगा, मतलब जो मेरे रिक्वायरमेंट की रहेगी वो नहीं करूँगा, बाकी सब मुझे खाली करना पड़ेगा। लगभग अभी सिर्फ 100-200 MB स्पेस ही बाकी है, मतलब 64 GB आउटर स्टोरेज और 4 GB इनर रैम के बाद भी फिर भी अभी बस 100-200 MB स्पेस बाकी है, सब निकालना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 मिनट पर, फिर हो जाएगा ये सब। और उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा आराम से पढ़ाई के लिए, आज पूरा दिन पढ़ाई करूँगा। देखते हैं अगर बीच में कुछ ऐसा कहीं बाहर बाहर जाना होगा तो फिर शायद मैं रिकॉर्डिंग उस वक्त पे करूँ। अभी थोड़ा लेट होगा मुझे इसके बाद, ये वाले रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करूँगा। अभी के लिए कट करता हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई पे बैठता हूँ, तो थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करता हूँ। कट। तो गाइस अभी हो चुके हैं 7:30 और अभी मैं कल्याण में अपनी नानी के घर पर। और यार पता नहीं क्यों मतलब जब भी इधर आता हूँ ना हमेशा ऐसा मन तो एकदम मस्त शांत हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह भी बहुत ज़्यादा ही शांत है एकदम, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत हवाएं अच्छी चलती हैं यहाँ पे, ऊपर से मतलब जगह पे ज़्यादा शोर नहीं है, बच्चे खेलते हैं वो अलग बात है, बच्चों का आदत है, बट उसके अलावा अलग से ऐसा बोलते हैं ना जो आउटसाइड नॉइस या ये सब नहीं है ज़्यादा, बाकी जगह भी अच्छी है, मतलब नहीं बोल रहा हूँ अच्छी जगह है। जैसे कल जन्माष्टमी है, आज जो फेस्टिवल है, मतलब आज फेस्टिवल नहीं है, हम लोग का ऐसा है बोलते हैं ना रीति रिवाज है, इस चीज़ को बोलते हैं थदरी नाम की चीज़। इसमें हम सिंधी क्या करते हैं मैं बताता हूँ, बहुत अलग चीज़ करते हैं। क्या होता है पूरा दिन भर रहता है ना, पूरे दिन भर में जो भी मतलब मनाते हैं, जैसे हम लोग, जैसे मैं तो मनाता नहीं हूँ ये फेस्टिवल, बहुत कम ही मनाता हूँ, पर जो भी लोग ऐसा मनाते हैं ना ये फेस्टिवल, वो क्या करते हैं, वो इसमें ना पूरा दिन भर, मतलब पूरा दिन भर सुबह के 12 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह के 12 बजे तक सिर्फ ठंडी चीज़ें ही खाते हैं, मतलब गर्म बोलते हैं ना, समझो रोटी भी कैसे आप अगर एक रोटी को 5-6 घंटा रख दो तो कैसे मतलब गर्म से एकदम जो ठंडी हो जाती है, बोलते हैं कहते हैं ना जैसे ठंडा दूध नहीं पीते लोग, तो इसमें सब वही चीज़ करते हैं कि ये लोग ठंडी चीज़ें खाते हैं बनाते हैं, मतलब ठंडा दूध हो गया, ठंडी रोटियाँ हो गई, भाजी भी ठंडी करके खाते हैं, मतलब देखा जाए जो भी चीज़ें वो ठंडी चीज़ें खाते हैं, क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी रहती है ना, उसमें हम लोग व्रत रखते हैं, जो भी मतलब सिंधी पूरे नहीं व्रत रखते, जो भी मानते हैं व्रत में जन्माष्टमी में जो कृष्णा को मानते हैं हम लोग में, वो व्रत रखते हैं। तो मेरा पता नहीं, मैं शायद रखूँगा कल व्रत, बट मुझे पता नहीं शायद एक्सरसाइज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, देखते हैं। तो देखो अभी हो चुके हैं 7:30 और मैं कब से कोशिश कर रहा था कि नहीं करूं ये चीज़, पर फिर भी मेरा भाई कब से मेरे सामने बैठा हुआ है कि नहीं भैया मुझे भी वॉइस व्लॉग में आना है, मुझे भी वॉइस व्लॉग में आना है। तो मैंने बोला यार ठीक है आ जा, चलो सुन लो अभी इसकी आवाज़ भी सुन ही लो। पहली बात, मुझे आपके वॉइस व्लॉग में नहीं आना था, आपने मुझे बुलाया। अच्छा, कब से साइड में बैठ के कौन बोल रहा था? एपिसोड 13 में जितने व्यूज थे उसके बारे में पूछ। नहीं एपिसोड 13 में तो कम ही व्यूज थे, कम नहीं थे, फर्स्ट एपिसोड में सबसे ज्यादा व्यूज थे। एपिसोड 13 का देख लेना आप लोग, क्या बोले कुछ भी नहीं बोलो तुम, तुमने तुमको अपनी आवाज देनी तो वो तुमने दे दी। अभी अभी कौन, अभी क्या आवाज देनी, अभी दो क्या आवाज देनी थी ना, दे दी ना। नहीं मतलब क्या, पिछली बार जैसे बनाया था। अरे वो तो वॉइस व्लॉगिंग उस टाइम पे की थी, वो हो गई ना। तो सुनी ली अपने भाई की आवाज़, मेरे भाई की आवाज़ आपने, मेरा हाँ अपना मेरा मेरा भाई मेरे भाई की आवाज़ आप लोग ने सुनी ली। लॉक नहीं होगा, तुम बच्चे नहीं हो क्या, तुम्हारा काम क्या है? वेलाचंद, ए वेलाचंद, मिस्टर कंटेंटर वेलाचंद, कुछ शब्द कुछ बोलना है? मेरा नाम वेलाचंद नहीं है, तुम्हारा नाम कंटेंटर वेलाचंद है। कट हो रहा है यहाँ पे, मैं इधर ही कट कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम कंटेंटर वेलाचंद है, अभी जो करना है करो, मैं इसको एडिट करूँगा ही नहीं, मैं इसको डायरेक्ट डालूंगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने वॉइस व्लॉग के एंड पे, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी है, मतलब आज वॉइस व्लॉग बहुत सुलझा ऐसा नहीं लग रहा था, ये मतलब बिखरा नहीं लग रहा था, एकदम जैसा होना चाहिए एक सिंपल वॉइस व्लॉग या जो भी है होना चाहिए वैसा का वैसा ही था। और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना अच्छा है, काफ़ी है, अच्छी एंडिंग है,
तो मेरे हिसाब से अभी के लिए मैं इसको इधर ही एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर देना। वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट्स बतानी है कमेंट सेक्शन खुला है। तो अब तक के लिए, तब तक के लिए, जब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे यार।